Welcome back to another video और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है हमारे बारे में नहीं है, वो है इंडिया के अमीर तरीन लोगों के बारे में। टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द इंडिया 2019 नेटवर्थ एंड लाइफस्टाइल। तो अभी आज हम देखेंगे कि इंडिया के रिचेस्ट पीपल कौन से हैं और उनकी नेटवर्थ क्या, उनके पास क्या क्या चीजें हैं, और फिर हम देखेंगे मौजूद हम उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कभी भी नहीं कर सकते। Anyway, अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का विषय लिंक जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो एंड देन वी विल डिस्कस कि हम लोगों को कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर द अनदर वीडियो। टुडे वी आर शोइंग यू टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द इंडिया एंड देयर सुपर रिच लाइफस्टाइल। शेंगहुई 53,200 करोड़ थाउजेंड्स। ओके, मुंबई इंडिया। 3 है नंबर सिटीजन इंडिया, मैरिज, चिल्ड्रन टू, एजुकेशन बैचलर। Okay, then family. He married to Vibha and the couple has 2 children. Okay, ये बच्चे होंगे। Wow. So Gujarat built by India. Wow. Then okay, cars में ये है इनके पास। 6 करोड़ की गाड़ी। Rolls Royce. मतलब सारे हैं, मतलब लग्जरी एक्सट्रीमली महंगी गाड़ियां। नंबर 9 गौतम। हमें आधे नाम पढ़ने आ रहे हैं। 60,000। नंबर 1 पे तो मिस्टर अंबानी होंगे ना, मुझे भी लग रहा है। 56 हैं। ओके, इनकी मोटिव्स हैं। 7 है, सेल्फ मेड है। 7 फैमिली मेंबर्स हैं, 2 चिल्ड्रन हैं। फैक्ट्री लग रही है, घर नहीं लग रहा था। अच्छा है ना, बहुत बड़ा ना। गुड़गांव में BMW लैमोजीन। 8 करोड़। मौसम कभी देखे हैं? 6 करोड़। अच्छा, ये उनके पास है। हाँ, Ferrari। ओके, प्राइवेट जेट है। 170 करोड़ का। साइरस पूना वाला। ओके, 66 500 करोड़। यार लोग इतने अमीर कैसे हो जाते हैं? 77 पुणे वैक्सीन हैं और विडोड हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, बेटी है कि बेटा है ये नहीं पता। गाड़ियाँ देखे। हाँ, घर भी अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा। मुझे तो किसी रॉयल पैलेस टाइप लग रहा है ना, या पैलेस टाइप या मौसम। मुंबई में 750 करोड़ का घर था। करोड़। मुझे रोल्स रॉयस बहुत पसंद है यार। मर्सिडीज एसएलएस। फेरारी। ओके, म्यूजिक बंद क्यों हो गया? ओके, इनके लिए प्राइवेट जेट है अपना। 1 करोड़ सामोसा उनका। 100 समथिंग था ना। हाँ, ओके, हेलीकॉप्टर भी है अपना। 70 करोड़। राधा किशन 7,700 करोड़। इन्वेस्टमेंट, रिटेल, सेल्फ मेड हैं। ओके, मैरिड हैं, 3 बच्चे हैं। अच्छा, एक चीज नोट की, बच्चे कम ही। हाँ, फैमिली। उनका घर नहीं है। कुमार बिरला तो सीमेंट भी है ना। हाँ, वो कह बिरला ग्रुप भी है। 7,000 आई थिंक 700 था ना। हाँ, बिरला ग्रुप। 3 बच्चे इनके भी। age 51. That's a young man. ये मेरे ख्याल शायद इनकी पुरानी तस्वीर होगी. वाओ, 425 करोड़. ऐसे लग रही इमेजिनरी घर है ना. 5 करोड़. Range Rover. Mercedes. मतलब सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ. Honda CRV. ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी इनके लिए हाथ से सस्ती है. वाह. 330 करोड़. 600 करोड़. इसके अंदर क्या होगा? मालूम नहीं. उदय कोटक. ओके. 82,600 करोड़. ओके. 2 बच्चे. ओके. बैंकिंग और सेल्फ मेड. भाई इनको तो अमीर होना बनता भी है. फैमिली. एक ही बेटा लग रहा है. घर 55 करोड़. लक्ष्मी मित्तल भी मेरा ख्याल ग्रुप में शायद है ना. मित्तल इंडस्ट्रीज में मूवीज में सुना कर रखे 95 करोड़. स्टील देखा इंडस्ट्रीज. और शीतल थी मित्तल. नहीं मूवी में शीतल भी थी एक. वो श्रीदेवी मैम की. अच्छा मुझे याद. फैमिली छोटी सी है ना. ताज मित्तल 1,513 करोड़. पैलेस ग्रीन 970 करोड़. मतलब मैं भी लंदन में ना. पैलेस ग्रीन 552 करोड़. ओके. बुगाटी है इनके पास 12 करोड़. यार इतनी महंगी गाड़ियाँ मतलब. और पोर्श 35 लाख. और कौन सी है? पैलेस 20 करोड़. मतलब इसके अंदर पैलेस बना होगा. पूरा घर वो बनाता है. वही तो कह रही हूँ. 1,200 करोड़. 259 करोड़. अच्छा वैसे यॉट मैंने सिर्फ इनके पास ही देखी. हाँ कोई नहीं आगे आ जाएगी. हाँ. शिव नादन. नादन आ रही है. एन था 1 मतलब क्या 120 क्या मतलब 1,02,200 करोड़. सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं. सेल्फ मेड. ओके. मैं बैचलर ऑफ आर्ट साइंस पीएचडी का दिल्ली इंडिया में. बच्चा एक ही है इनका भी. 102 मतलब 1,02,200 करोड़. ये तो मुझे साउथ इंडियन का प्राइस 115 हो. गाड़ी देखें कहाँ चढ़ी है. हाउस इन चेन्नई 50 करोड़. हाँ साउथ इंडिया आ गया है ना. देखा मैंने. हाँ. रोल्स रॉयस 4 करोड़. देन हु इज प्रेमजी. नंबर 1 पे अंबानी होंगे. कंफर्म है. 1,58,200 करोड़. मुझे तो ना बोलते हुए भी थोड़ा हो रहा है. 73 2 बच्चे और सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं. बैंगलोर में हैं. मैरिड 3 हैं. बैचलर ऑफ आर्ट साइंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं. टोटल डोनेशन टिल डेट 8 बिलियन रुपीज 2.9 करोड़. वेल्थ इवन आफ्टर डोनेटिंग ही दस. वाओ माशाल्लाह कितना वो अर्न करते हैं. और टेक्स एंड ऑटो टू एंड फ्रॉम दैट. वो वाह कितने सिंपल है. नो प्राइवेट जेट. फैमिली. ही लिव्स इनसाइड द वाइप्रो कैंपस एंड दो पता नहीं क्या लिखा. ऑन द लार्ज वुडन बैंगो एंड गार्डन ऑन वॉकर्स. मतलब सिंपल लाइफ में रखी हुई अपनी. सेकंड हैंड मर्सिडीज बेंज. यार मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है सीरियसली. यूज फॉर 10 इयर्स. देखो करोला यूज फॉर 9 इयर्स. यस वन एंड ओनली मुकेश अंबानी. 3,50,000 करोड़. 62 क्या पेट्रोकेमिकल्स ऑयल एंड गैस. मैरिड 3 नहीं चिल्ड्रन 3 है वो ना. चिल्ड्रन 3 है. ये फैमिली है इनका. तो मैं पता है इनके 2 बेटे 1 बेटी है. इन्होंने एक्ट्रेस से शादी की हुई है ना. नहीं आई थिंक इनकी क्लास के लोग थे वो. अच्छा. हाँ मैंने एक वीडियो में देखा. मोर देन 10,000 crore का घर है. कार्ड शोकेसिंग फ्यू ऑफ देम. ओ माय गॉड, 30 crore 3 lakh diamonds on the body of car now in Mumbai. Rolls Royce Phantom. Drop head couple. कपल नहीं था वो. मर्सिडीज बेंस 116 crore 10.5 crore. ये क्या है? मुकेश अंबानी न्यू 20 सबसे पहले तो आपकी वाली मैं बात करूंगा यार, लोगों के पास इतना पैसा आता कहाँ से है. ये नहीं कि 2 crore 3 crore हजारों करोड़ों में यार, मतलब स्टार्ट ही हजारों करोड़ों से हो रही. मतलब मुंह से बोलते करोड़ों बोलते हुए भी ना थोड़ा मुश्किल होता है, हजारों करोड़. लेकिन ये कि सीरियसली मतलब जिस तरीके से हम लोग देखे थे एंड उनके घर, गाड़ियां, एंड वी वर यू नो सरप्राइज्ड के इतने शानदार यार. पूरे पूरे उन्होंने प्राइवेट जेट्स रखे हुए हैं, प्राइवेट जेट्स छोड़े गए. अगर हम बात करें मुकेश अंबानी जी की तो उनका जो है नेटवर्थ जो है 3,50,000 crore. मतलब वैसे उस टाइम पर जो हम लोगों को वीडियो में एक चीज नहीं वो मतलब यू नो हम लोगों ने वो वैनिटी वैन थी जो उनकी थी और मतलब काफी डिफरेंट बनी हुई थी. हाँ, और वैसे क्या नाम लेते हैं इनकी तो नेटवर्थ जो है, जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट देखा था वो कितने का था? 102 lakhs का. नहीं कब कौन सा मुकेश अंबानी? नहीं जो इंडिया का जो लास्ट प्रोजेक्ट हमने देखा था 102 लाख का था. बिल्कुल. और मैं ही बोलती हूँ कि मतलब ये ही सारे लोग होते हैं जो आपके कंट्री में इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं. लेकिन अगर मैं सीरियसली गाड़ियों की बात करूँ तो मुझे पर्सनली मुझे रोल्स रॉयस बहुत पसंद है. मुझे उसकी ना मुझे ऐसी छत बहुत अच्छी लगती है. नहीं उसे ऐसे यू नो स्टार की तरह यू नो रात को मुझे बहुत लेट होती है. मुझे पता मैं ले नहीं सकती लेकिन फिर भी भाई शौक तो शौक होते हैं. और लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना मुकेश अंबानी सर की तो यहाँ पे उनके पास प्राइवेट जेट्स नहीं प्राइवेट प्लेन्स हैं. बाकियों के पास तो प्राइवेट जेट्स हैं ना, इनके पास बोइंग है, फाल्कन है, एयरबस है, जो नॉर्मली हम जो है गाड़ी जिसके ऊपर डायमंड्स लगे हुए थे. हाँ, वो भी वो जो है हमने देखी थी लास्ट टाइम दुबई में. मैंने वो देखा था, क्लिप था दुबई में दिखाई गई थी. मेरा ख्याल है उसके बाद ही इन्होंने खरीदी होगी या इन्होंने ही वो बनवाई गई, ये मुझे मालूम नहीं है. लेकिन वो गाड़ी गोल्ड की जो मैंने देखी थी वो गोल्ड की बनी थी, उसके ऊपर जो है ना डायमंड लगे हुए थे और वो चलती थी, उसके ऊपर लाइट चमचमाती थी. हाँ, पर वैसे मैं ऑनेस्टली बहुत अच्छी बात है, इतना पैसा तो शौक होने चाहिए, वो बुरी बात नहीं. लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इतने सारे डायमंड्स का क्या गाड़ी के ऊपर लगाने का या गोल्ड की गाड़ी बनाने का क्या फायदा है. मतलब सीरियसली लेकिन शौक है ना. हाँ, शौक है लेकिन पैसा है कहीं पे लगाना तो है ना. मैं ऑनेस्टली बताऊं मुझे ना जैसे मैंने पूरे टॉप 10 देखे उसमें से मुझे आजम प्रेमजी की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लगी क्योंकि आपके पास पैसा और साथ में आप का लाइफस्टाइल सिंपल होना तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है. जैसे कि उन्होंने अपने ही एम्प्लॉय से मर्सिडीज 9 लाख की, फिर उसके बाद उन्होंने जो बाकी करोला थी आई थिंक जो 10 साल तक चलाई थी, 9 साल तक चलाई. फिर उसके बाद वो बिजनेस क्लास में या इकोनॉमी क्लास में भी सफर करते हैं, प्राइवेट जेट नहीं है. फिर अगर वो क्या बोलते हैं एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो वो ऑटो में भी आ जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना ये बहुत मतलब मुझे अच्छा वो ना उन्होंने अपनी लाइफ बहुत सादी रखी हुई है और बाकी जो सिंपल लाइफ गुजारने का मजा है ना वो उसमें आप जो है ना आजादी एक किस्म की आजादी फील करते हो. जैसे अगर आप कहीं पार्क में जा रहे हो, आपके इर्द गिर्द 10 बॉडीगार्ड्स हैं तो आपको जो है वो एक आजादी फील नहीं होती. लेकिन जिस तरह उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल रखी हुई है ना, मुझे मैं कहता हूँ बहुत अच्छा लगा उन्हें देख लाइफ. और यू नो मतलब मुझे ऐसा लगता है जितनी सिंपल आप लाइफ रखते हो ना उतना आपके लिए इजी होता है कि आप चीज़ों को एंजॉय करते हो. फिर उसके अलावा अगर हम लोग वैसे एक चीज़ हमने नोट की है, 2nd और 3rd नंबर पर जिनसे थे आई थिंक वो दोनों सॉफ्टवेयर सर्विसेज थे और दोनों ही काफ़ी अच्छे खासे मतलब और एक बीच में थे जिनके पास अपना यॉट भी था, ठीक है ना. और बीच में मित्तल इंडस्ट्रीज जो थी वो भी. तो मित्तल इंडस्ट्रीज स्टील का वर्क है ना, तो वो जो है आपको याद होगा मूवी थी अनिल कपूर की और श्रीदेवी की जिसमें और बीच में रवीना टंडन भी थी. I don't know, मुझे जिसमें वो मेरी याद नहीं है जिसमें साथ अनुपम खेर भी उनके होगा, लेकिन मुझे याद नहीं है। स्टैनफोर्ड मूवी इतनी मजे की वो मूवी यार, वो सुना हुआ है ना कि आपको कहीं ना कहीं पर क्लिक कर देता है मित्तल, लेकिन मित्तल नहीं था उसमें, शीतल इंडस्ट्रीज था। मैं वैसे कह रही थी ऐसे, मुझे सीरियसली नहीं पता था, मुझे ऐसा लगता है मैंने कहीं पर मतलब मूवीज वगैरह में ये चीज सुनी हुई है। लेकिन ये ओवरऑल आप देखते हो कि वाकई में सबसे पहले बात चीज हुई आती है भाई इतना पैसा कमा कैसे लेते हैं, लेकिन चलो अच्छी बात है और कमाएं पर बताएं कि हाँ अब मतलब हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? किसी में भी नहीं बट फिर भी हम बहुत खुश हैं एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड। और इसी के साथ आप हमें जरूर बताइएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अरे हम लोग दुआ करते हैं कि सबको वो चीजें मिले जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं और वो अच्छे तरीके से, मतलब मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ बहुत ज्यादा पैसा जो है आपको कभी खुशी और सुकून नहीं देता, उतना ही अर्न करना चाहिए या उतना होना चाहिए जिसमें आपका सुकून हो और अपनी फैमिली के साथ खुश रह सकें। और इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत।